हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, आज के पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक के संबंध में, किस प्रकार से विद्युत अवयवों को हम आसान और सरल तरीके से उनके प्रतीक की सहायता से निरूपित कर सकते हैं। आज के अपने पाठ का विषय यही रहेगा। तो चलिए सीखते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण और दैनिक जीवन में काम आने वाले विद्युत से संबंधित विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों के विषय में। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम बहुत सारे क्रियाकलाप करने वाले हैं और आप यह क्रियाकलाप अपने अध्यापक या बड़ों की देखरेख में ही करें। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में हमने विद्युत से संबंधित काफी क्रियाकलाप किए और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। विद्युत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। इसी की सहायता से हम अपने बहुत से कार्य आसानी से कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको याद होगा, हम अपने खेतों में पानी देने के लिए जो कुएं से पंप के द्वारा निकालते हैं, वहां पर भी हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती हैं, फ्रिज चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलती हैं, ये सभी विद्युत उपकरण कहलाते हैं और विद्युत का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी सहायता होती है और बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो विद्युत हमारे बड़े काम की है। इस कक्षा में, यानी कक्षा 7 में, हम विद्युत से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सीखेंगे विद्युत अवयवों के बारे में, उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में और साथ ही विद्युत के अलग-अलग प्रभावों के विषय में। आज हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वह होगी विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या होते हैं, किस प्रतीक या किस चिन्ह की सहायता से हम विद्युत उपकरणों को, स्विच को या उसके परिपथ को दर्शा सकते हैं। यही अपना आज का विषय रहेगा। तो चलिए सीखते हैं अपने आज के इस बड़े ही रोचक, मजेदार, शिक्षाप्रद और दैनिक जीवन में काम आने वाले विद्युत के विषय में। प्यारे बच्चों, विद्युत के अवयवों के प्रतीक के विषय में चर्चा करने से पहले हम एक बार सीखेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, और उसके पश्चात हम विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग अवयवों को प्रतीक की सहायता से दर्शाएंगे। तो चलिए पहले हम यह क्रियाकलाप करके देखते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के लिए हमें चाहिए एक बैटरी, संयोजी तार, टेप और एक विद्युत बल्ब। विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम यहाँ दिखाए अनुसार इन सभी विद्युत अवयवों को व्यवस्थित कर लेंगे। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्विच ऑन करने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी स्विच ऑन करने पर हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्तिमान हो जाता है, जबकि स्विच ऑफ करने पर विद्युत परिपथ टूट जाता है और बल्ब दीप्तिमान नहीं हो पाता। यानी इससे हमें यह पता चला कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। और हम अब लिखेंगे अपने इन सभी अवयवों के नाम,
यह है स्विच, विद्युत बल्ब और बैटरी। और ये हमने क्या बनाया? बिल्कुल सही, विद्युत परिपथ। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं और इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। यहाँ हमारा बल्ब जल रहा है यानी हमारा बल्ब सही है और विद्युत परिपथ पूरा है। यह देखिए कितने अच्छे से बल्ब जल रहा है। और यह स्विच ऑफ होते ही विद्युत परिपथ टूट गया और बल्ब का जलना बंद हो गया। विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। प्यारे बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा विद्युत परिपथ क्या होता है और अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाले विभिन्न अवयवों को प्रतीक की सहायता से निरूपित करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस अवयव को किस प्रतीक की सहायता से हम निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत सेल की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह होता है विद्युत सेल। आइए देखें वास्तव में विद्युत सेल कैसा दिखता है। तो ऐसा नजर आता है हमारा एक विद्युत सेल। यहाँ आपको इसके दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं। ऊपर जो बटन जैसा दिखता है वह होता है धन टर्मिनल और इसकी पहचान के लिए आप यहाँ यह धन का चिन्ह देख सकते हैं यानी जमा का निशान। और ऋण टर्मिनल पर आपको यह माइनस यानी घटा का चिन्ह नजर आएगा जो इनकी पहचान होती है। और अब देखते हैं विद्युत सेल का प्रतीक कैसा होता है। विद्युत सेल के प्रतीक को ध्यान से देखिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। आपको याद होगा विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है और विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। और अगला जो विद्युत अवयव है वह अति महत्वपूर्ण है और इसका नाम है विद्युत बल्ब। और यह देखिए ऐसा होता है एक विद्युत बल्ब। इसको आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसमें दो सिरे नजर आएंगे और यह भी एक अधिक लंबा होता है और एक छोटा होता है। और इस प्रकार जब हम इनको जोड़ते हैं बैटरी के साथ तो यह जल उठते हैं। आइए बनाएं विद्युत बल्ब का प्रतीक। विद्युत बल्ब का प्रतीक बनाने के लिए आप M जैसी संरचना बना करके उसे एक गोल चक्रे में रख सकते हैं और यह प्रतिबिंबित करेगा विद्युत बल्ब को। और अगला महत्वपूर्ण विद्युत अवयव है स्विच। बच्चों, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि
घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। आइए अब बनाकर देखते हैं स्विच के ऑन होने की स्थिति में उसका प्रतीक कैसा होगा। स्विच को ऑन दर्शाने के लिए हमें उसे दोनों टर्मिनल से जोड़ करके इस प्रकार दिखाना होगा। जब स्विच ऑन होता है यानी दोनों टर्मिनल से जुड़ा होता है तभी परिपथ पूर्ण होता है। और आइए अब सीखते हैं यदि हमारा स्विच ऑफ स्थिति में है तो उसका प्रतीक कैसे बनेगा। स्विच को ऑफ दिखाने के लिए हमें उसके प्रतीक में सिर्फ एक टर्मिनल को जुड़ा हुआ दर्शाना है और दूसरे टर्मिनल को जुड़ा हुआ नहीं दर्शाना, तभी हम स्विच को ऑफ की स्थिति में दिखा पाएंगे। और प्यारे बच्चों अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में उपयोग की जाती है, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है, तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं। तो किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को आप ध्यान से देखिए। आप प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती देखेंगे जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेल को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर धन तथा ऋण के चिन्ह अंकित होते हैं। प्यारे बच्चों बैटरी का प्रतीक बनाने का आधारभूत तरीका बिल्कुल विद्युत सेल से मिलता है। हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि बैटरी के एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो, और यह धन और ऋण टर्मिनल आप इस बैटरी पर भी अंकित देख सकते हैं। यह देखिए यहाँ आपको दो टर्मिनल दिखाए गए हैं और यह जो गोल छोटे वाला है यह होता है धन टर्मिनल, और यह जो बड़ा और यह होता है ऋण टर्मिनल, और यह यहाँ अंकित भी है। और अब बात करते हैं एक और अति महत्वपूर्ण विद्युत अवयव की, वह है संयोजी तार। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं किसी बैटरी से विद्युत को उसके बल्ब या दूसरे किसी अवयव तक पहुँचाने के लिए हमें तार की आवश्यकता होती है, और उसी तार को हम कहते हैं संयोजी तार। यह जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यह भी संयोजी तार का एक उदाहरण है। आइए सीखते हैं संयोजी तार का प्रतीक। प्यारे बच्चों संयोजी तार का प्रतीक अत्यंत सरल है, इसे हम सीधी रेखा से दर्शा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। और यह तार अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विद्युत के गमन के लिए यही परिपथ को आगे बढ़ाता है। प्यारे बच्चों यह हमने सीखा विभिन्न विद्युत अवयवों को उनके प्रतीक की सहायता से निरूपित करना, और इसकी सहायता से हमें बड़ी आसानी हो गई है कि अब हम जो मुश्किल से अवयव होते हैं उनको उनके प्रतीक की सहायता से आसानी से दर्शा सकते हैं।
जिससे हम कहीं पर भी विद्युत परिपथ को बना करके यानी विद्युत परिपथ में इन प्रतीक को इस्तेमाल करके आसानी से दर्शा सकते हैं। तो है ना, बड़ा मजेदार और रोचक। बच्चों, पाठ की शुरुआत में हमने विद्युत परिपथ बनाना सीखा था, वह कैसे कार्य करता है यह भी हमने उस क्रियाकलाप में सीखा था। लेकिन अब हम एक ड्राइंग शीट पर उस विद्युत परिपथ को, उसके अवयवों को उसके प्रतीक चिन्ह की सहायता से निरूपित करेंगे और बना करके देखेंगे उसी विद्युत परिपथ को एक ड्राइंग शीट पर। तो चलिए करते हैं ये बड़ा मजेदार और रोचक क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए एक ड्राइंग शीट और कुछ रंग। विद्युत परिपथ के परिपथ आरेख के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटरी अवयव का प्रतीक चिन्ह, और ये अब हम बनाएंगे संयोजी तार के प्रतीक चिन्ह, और यहाँ हमने बनाया एक स्विच, और यहाँ स्विच को हम ऑन की स्थिति में दर्शाएंगे ताकि हम अपने परिपथ को पूर्ण दिखा सकें। और जब परिपथ पूर्ण होता है तो बल्ब दीप्तिमान होता है, और ये हमने बढ़ाया अपने परिपथ को संयोजी तार की सहायता से आगे। और अब हम यहाँ बनाएंगे बल्ब का प्रतीक चिन्ह, और ये मिलता जुलता होता है अंग्रेजी के अक्षर M की आकृति से, और इसे हम गोल चक्र में रखेंगे। यहाँ हम अलग अलग रंग का प्रयोग करेंगे ताकि हमें पता चले कि यह एक अलग अवयव है। और अब हम संयोजी तार के प्रतीक एक सीधी रेखा के द्वारा हम दर्शाएंगे संयोजी तार। और प्यारे बच्चों, छोटी और मोटी जो रेखा होती है उससे हम दिखाते हैं बैटरी के ऋण टर्मिनल को, और लंबी और पतली रेखा से दर्शाया जाता है धन टर्मिनल। और यह देखिए, हम दर्शा रहे हैं अपने बल्ब को दीप्तिमान अवस्था में, क्योंकि हमारा स्विच ऑन की स्थिति में है। तो यह बना अपना परिपथ आरेख, और अब हम करेंगे अपने इस चित्र का नामांकन, क्योंकि चित्र तभी पूर्ण होता है जब आप उसका नामांकन करते हैं। और हमने क्या चित्र बनाया है? विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख। आप भी जब कभी चित्र बनाएं तो उसका नामांकन अवश्य करें। और ये जो प्रतीक है ये दर्शाता है बैटरी को, और इसे भी हम यहाँ नामांकित करेंगे, क्योंकि बैटरी एक अति महत्वपूर्ण अवयव होता है। और यह है स्विच, क्योंकि स्विच ही हमारे परिपथ को पूर्ण करता है। और यह जो बनाया हमने दीप्तिमान अवस्था में, इसे हम कहते हैं विद्युत बल्ब, क्योंकि यही बताएगा कि हमारा परिपथ काम कर रहा है या नहीं। और ये जो रेखा के द्वारा दर्शाया था इसका नाम क्या है? संयोजी तार। शाबाश। तो हमारा जो परिपथ है वह पूर्ण हुआ, विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख। और ये स्विच आपको नजर आ रहा है, यह किस अवस्था में है? ऑन की अवस्था में, यानी हमारा परिपथ अब पूर्ण है और यह कार्य कर रहा है, तभी हमारा बल्ब दीप्तिमान अवस्था में है। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखे विद्युत अवयवों के प्रतीक और विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख। अब हम आपको कुछ प्रतीक दिखाएंगे, आप उन्हें पहचानें और बताएं कि यह प्रतीक
किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें इस प्रतीक को और बताइए यह किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही, यह प्रतीक दर्शाता है विद्युत सेल को। आपने सही जवाब दिया। तो प्यारे बच्चों, अब इस प्रतीक को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए यह किस विद्युत अवयव को दर्शाता है। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। और शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। यह प्रतीक दर्शाता है स्विच को ऑफ स्थिति में। और अब इस प्रतीक को अच्छे से देखिए और सोचिए यह किस विद्युत अवयव को दर्शा सकता है। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह बच्चों, यह तो एकदम सही पहचाना। यह चिन्ह दर्शाता है विद्युत बल्ब को। शाबाश। और प्यारे बच्चों, अब इस सरल सी रेखा के प्रतीक को पहचानिए कि यह किसे दर्शा रही है। और इसके लिए आपका समय है अब। और इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है विद्युत अवयव संयोजी तार को। और आपने इसको भी बिल्कुल सही पहचाना। और प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। और पहला है विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। और दूसरा बिंदु है विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है और इसमें मदद करता है स्विच। और स्विच की यदि बात करें तो स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों, अब समय है कि इस पाठ में आपने क्या सीखा। प्यारे बच्चों, आज के पाठ से हमने सीखा कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। और साथ ही हमने सीखे कुछ प्रमुख शब्द जैसे विद्युत अवयव, बैटरी, विद्युत परिपथ। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का विषय जिसमें हमने सीखा विद्युत अवयवों को प्रतीक की सहायता से दर्शाना, निरूपित करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।